आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति। सत्रह नगर निगम जीतने का सीएम योगी ने बनाया प्लान। बूथ प्रबंधन मंडल सेक्टर मजबूत करेगी बीजेपी। जिले की टीम को और मजबूत करेगी बीजेपी। यूपी में निकाय चुनाव के लिए बीजेपी की नई रणनीति। सत्रह नगर निगम जीतने का सीएम योगी ने बनाया प्लान। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई नई रणनीति। बूथ प्रबंधन मंडल सेक्टर मजबूत करेगी बीजेपी। जिले की टीम को और मजबूत करेगी बीजेपी। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है। निकाय चुनाव होने वाले, हालांकि अभी हाईकोर्ट की रोक लगी है कि 20 दिसंबर तक सुनवाई होगी, उसके बाद ही अधिसूचना जारी हो सकेगी। फिलहाल ये तो स्पष्ट है कि चुनाव होगा, अब इस महीने हो सकता है या अगले महीने जा सकता है, वो अलग बात है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर लगातार चुनावी तैयारियों का दौर जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रबुद्ध बल सम्मेलन को कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार का लक्ष्य बीजेपी का 17 नगर निगम जीतने का है। अगर हम बात करें, इस बार एक नगर निगम बढ़ गई, पिछली बार 16 नगर निगम थी और 16 नगर निगमों की बात करें, वहाँ पर 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और केवल 2 नगर निगम महापौर के रूप में बसपा के पास गए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस बार लक्ष्य रखा गया है कि जो पिछली बार 14 रह गए थे, इस बार 17 नगर निगम है। 17 नगर निगमों में इस बार बीजेपी अपना परचम लहराएगी मेयर के माध्यम से और पार्षदों के माध्यम से। सबसे महत्वपूर्ण बात नंदिनी, अगर हम बताएं तो इसके लिए तैयारी लगातार चल रही है। अभी हमने देखा है प्रबुद्ध बल सम्मेलन भी चल रहे थे। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि आगामी समय में हम 17 नगर निगमों में पसमांदा समाज का सम्मेलन भी कराएंगे। तो बीजेपी का जो एक शुरू से एक व्यवस्था रहती है कि हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनावी तैयारियां चलती रहती हैं, चाहे बूथ स्तर की बात हो, चाहे मंडल स्तर की बात हो, चाहे संगठन स्तर की बात हो, या फिर कैबिनेट स्तर पर हो, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक के स्तर की बात हो, यहाँ पर सभी लोग चुनावी तैयारियों में लगे रहते हैं और अपना पूरा दमखम दिखाते हैं। और जैसा केवल एक चुनाव नहीं, हम कई चुनावों से जीतते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, अभी हमने देखा हिमाचल भी गए थे, वहाँ भी सभा की थी, गुजरात भी गए थे, वहाँ भी सभाएं कर रहे थे, इसके पहले हैदराबाद में नगर निगम चुनाव हुए थे, वहाँ भी वो गए थे। और जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जनाधार आता है, सीटें मिलती हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ योगी आदित्यनाथ के शुरू से उनका एक सोचना है कि मैं सारे व्यवस्थाओं को अपने कंधे पर लूँगा, जिम्मेदारी को लूँगा और सारी जिम्मेदारी को वहन कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है 17 नगर निगमों की जिम्मेदारी भी वो ले रहे हैं और यहाँ पर और वहाँ पर बाकायदा सम्मेलन भी होंगे। इसके अलावा पसमांदा समाज के सम्मेलन करने की बात भी कही गई है और पूरे दमदम के साथ यहाँ पर निकाय चुनाव लड़ने की बात बीजेपी कह रही है। जी गौर, आपने बताया कि पसमांदा मुस्लिम समाज को क्या लगता है, पसमांदा मुस्लिम समाज को बीजेपी साधने में कितना सटीक रहेगी? देखिए, पसमांदा मुस्लिम समाज का खासा वोट बैंक है और निश्चित रूप से बीजेपी की जो कवायद है, बीजेपी की तरफ से ये भी कहा गया, सूत्र बताते हैं कि इस बार पसमांदा समाज के लोगों प्रतिनिधियों को इस बार टिकट दिया जाएगा, प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी बनाया जाएगा तो बेहतर पहल होगी, क्योंकि हमेशा लोगों का कहना, विपक्ष का हमेशा कहता है कि नहीं, बीजेपी मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, मुस्लिम वर्ग को सपोर्ट नहीं करती, 80-20 की एक जो विचारधारा उसके साथ काम करती है। तो कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी का कहना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं, उसी हिसाब से हम काम करते हैं, बेहतर परिणाम सामने लाते हैं। और चूंकि हम सारी योजनाओं में किसी वर्ग विशेष को यहाँ पर एक अलग से अपेक्षा नहीं करते हैं और सबको यहाँ पर समान रूप से सारी व्यवस्थाओं का लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आ गए हैं, पसमांदा समाज को यहाँ पर अपने पाले में करके बीजेपी 24 का चुनाव भी बेहतर तरीके से जीतना चाहती है। तो यहाँ पर शुरुआत यहाँ पसमांदा समाज के सम्मेलन के माध्यम से होगी। इसके पहले भी जो अगर हम सम्मेलनों की बात करें नंदिनी, तो सम्मेलनों का इतिहास बीजेपी पुराना है। इसके पहले हमने देखा कि 14 के चुनाव में, 17 के चुनाव में, 19 चुनाव में, 22 चुनाव में लगातार अलग अलग वर्गों के सम्मेलन हुए, उससे बीजेपी को जनाधार ही मिला था और बीजेपी ने उसी जनाधार के चलते यहाँ 37 साल बाद मिथक तोड़कर दोबारा सत्ता में लगातार वापसी की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि लगातार दूसरी बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो कहीं ना कहीं रणनीति बेहतर है, संगठन बेहतर है और यहाँ पर अगर बेहतर काम करें तो परिणाम निश्चित बेहतर वही आएगा। जी, बात अगर नगर निकाय चुनाव की करें तो हर पार्टियाँ एक्टिव दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस ने कहा कि अब वो महिलाओं को प्राथमिकताएं देंगे, तो क्या लगता है किसको फायदा नुकसान हो सकता है इससे?
देखिए नंदिनी, ये फायदा नुकसान किसको होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस के महिला कार्ड की बात करें, इसके पहले 22 के चुनाव में प्रियंका गांधी बाटर जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है और 2022 के चुनाव की प्रभारी थी, उन्होंने महिला कार्ड खेला था और उन्होंने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, तमाम रैलियाँ निकली थी, उसके बाद उन्होंने अपने वादे के अनुरूप 40% महिलाओं को टिकट भी दिया था, पर परिणाम बेहतर नहीं आए, मैं 2 सीटें आई थी, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है महिला के माध्यम से यहाँ पर क्या लाभ मिलता है, महिलाओं को आगे बढ़ने की बात कहती है, पर यहाँ पर केवल टिकट स्तर पर महिलाओं को लाभ नहीं देना है, अगर वास्तव में कांग्रेस चाहती है, वहाँ पर वास्तव में जो पार्टी चाहती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो ये आरक्षण की व्यवस्था विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा में लागू करे, जब से कम उतनी महिलाएं तो इन उच्च सदनों में पहुँचे और अपनी बात रख सकें। अब आने वाले समय में चूंकि कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से अभियान चलने वाला है, हाथ जोड़ो अभियान चलेगा, युवाओं महिलाओं को यहाँ पर कांग्रेस साधने का प्रयास करेगी, अभियान क्या रहता है, जनाधार क्या होता है, रैली क्या होती है, पर वो रैली और जनाधार वोट बैंक में तब्दील हो नंदिनी, तभी कुछ बेहतर परिणाम सामने आएंगे, अन्य व्यवस्था रैली रोड शो इस तरह के कार्यक्रम चलते रहते हैं। अगर बात करें नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो अखिलेश यादव ने कल बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये चाहते ही नहीं है कि नगर निकाय चुनाव हो जल्द। देखिए यहाँ पर हमले की बात तो ऐसी है कि अगर हम कहें तो आरोप प्रत्यारोप दौर चलता रहता है, केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहा है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि इस बार चुनाव टाइम से हो, हम तो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, तो अखिलेश यादव ने पलटवार करते कह दिया है कि केशव प्रसाद मौर्य नहीं चाहते हैं और बीजेपी नहीं चाहती चुनाव समय पर हो, उनकी तैयारी नहीं है, उनको हार का डर सता रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप के दौर तो फिलहाल नंदिनी चलते रहेंगे और निश्चित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था ही यही है कि सत्ता पक्ष जहाँ बात कहता है वह विपक्ष का प्रत्यारोप करना बहुत जरूरी है, पर यहाँ पर अगर चुनावी मुद्दों की बात करें, तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे, चुनाव बेहतर है और चुनाव आने वाले समय में चूंकि ये निकाय परिषद के चुनाव हैं, 762 निकाय में चुनाव होने हैं, परिणाम क्या होगा, चुनाव कब होंगे, ये आने वाले वक्त बताएं, फिलहाल चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज चल रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। प्रयागराज में मुख्तार अंसारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी ईडी। खबर प्रयागराज से, विकास कंस्ट्रक्शन आगाज कंपनी की ट्रांजैक्शन की जांच करेगी ईडी। 10 दिन के कस्टडी रिमांड पर है माफिया मुख्तार अंसारी। बेटे विधायक अब्बास से भी कर चुकी है पूछताछ। सरजी लजा भी ईडी की रिमांड पर है, आपको बता दें। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, 10 दिन के ईडी रिमांड में है मुख्तार अंसारी। बिल्कुल नंदिनी, यहाँ पर मुख्तार अंसारी पर शिकंजे जो लगातार कसे जा रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह तमाम तरह की जो व्यवस्था है उसके तहत पूछताछ हो रही है, क्राइम ब्रांच पूछताछ करती है, तमाम तरह के अभियोग उनके ऊपर पंजीकृत है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रहे, और ईडी की फिलहाल 10 दिन की रिमांड पर है, ईडी उनसे तमाम मामलों पर पूछताछ कर रही है, अगर हम बात करें तो करोड़ों की उनकी अरबी जो संपत्ति है, अरबों की संपत्ति वो कुर्क हो चुकी है और सरकार उस पर बुलडोजर चला चुकी है, उसको अपने कब्जे में ले चुकी है, तो कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, इसके अलावा ईडी भी आप पूछताछ कर रही है, और 2 मामले अभी जो सामने आए वहाँ पर, यहाँ पर विकास कंस्ट्रक्शन और आगत कंपनी की जानकारी वहाँ से मांग रही है किस तरह पैसे का लेन देन हुआ है, तो यहाँ फिलहाल ईडी के राडार पर यहाँ मुख्तार अंसारी है, क्योंकि ईडी लगातार कार्रवाई का दौर चल रहा है और यहाँ पर 10 दिन की रिमांड पर, इसके पहले ईडी उनके लड़के अब्बास से पूछताछ कर चुकी है, उनको भी हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है, इसके अलावा मुख्तार अंसारी के साले सरजी रजा से ही बातचीत यहाँ पर हो चुकी है, उनको भी पूछताछ कर चुकी है, तो यहाँ पर ईडी का शिकंजा लगातार मुख्तार अंसारी उनके परिवार पर कसता चला जा रहा है, और यहाँ पर 10 दिन की रिमांड में क्या कुछ तथ्य निकल के सामने आएंगे नंदिनी, यही बड़ी बात होगी जी। कल मुख्तार अंसारी की ईडी से जो पूछताछ थी, तो क्या लगता है क्या कुछ बयान सामने आया होगा मुख्तार का? देखिए अभी ईडी ने इसका खुलासा नहीं किया, क्या कुछ बयान आया, फिलहाल जो मामला है वो मामले के मुताबिक एक उनकी 2 कंपनियां हैं, विकास कंस्ट्रक्शन और आगाज कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको लेकर पूछताछ चल रही है ईडी, अब क्या पूछताछ में सामने आएगा, किन प्रमुख मुद्दे हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, फिलहाल बात यही कहूँगा कि मुख्तार अंसारी पर जो समस्या है उनका कम होने का नाम नहीं ले रही है, 10 दिन की रिमांड पर है और ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, और फिलहाल ईडी का अगर बात करें नंदिनी, तो ईडी से पूरे सक्रिय है और लगातार इस तरह के जो माफिया है या जिस तरह के लोग हैं जो
लगातार पैसों का लेन देन करते हैं, अब जो अवैध संपत्ति जुटा रहे हैं, उन पर ईडी का चाबुक लगातार चल रहा है। और केवल एक मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में तमाम तरह की छापेमारी हमको और देखने मिल सकती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। लखनऊ में पुलिस का मानवीय पहल, खबर लखनऊ से है, आपको बता दें तालाब में कूदकर पुलिस कर्मियों ने बचाई गाय के बछड़ों की जान। जानकीपुरम सेक्टर 3 स्थित तालाब से सकुशल पुलिस कर्मियों ने बछड़े को निकाला। दलदल में फंस गए थे 2 बछड़े, खबर लखनऊ से है, आपको बता दें। हेड कांस्टेबल शिवम अवस्थी होमगार्ड श्रीकृष्ण की सराहनीय पहल,